हेलो फ्रेंड्स, हरप्रीत के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको चाट टिक्का बनाने की रेसिपी बताने वाली हूँ। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले, ये रेसिपी सीखने से पहले, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, हमें चाट टिक्का बनाने के लिए जो इंग्रीडियंट्स चाहिए वो सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैंने लिए चार चार, थोड़ा पनीर, थोड़ी ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम और अनियन। देखिए, प्याज को मैंने ऐसे काट लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए शेजवान चटनी, टोमेटो सॉस, चिली सॉस, सोया सॉस, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अरारोट, मैदा और मैगी मसाला। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे चाट को फ्राई करने के लिए और पनीर को फ्राई करने के लिए। तो हम गैस ऑन कर देंगे। जब तक हमारा तेल गर्म होता है तब तक हम चाट को कट कर लेते हैं। चाप हमने कट कर ली है। अब इसके बाद हम पनीर को ऐसे चौरस कट कर लेंगे। देखिए, हमारा पनीर भी कट हो चुका है। अब हम चाप को मैरिनेट करने के लिए इसमें मैदा, थोड़ा मैगी मसाला, मैंने लगभग 1.5 चम्मच के करीब मैगी मसाला लिया है। देखिए, इसमें शेजवान चटनी हम जरूर डालेंगे। मैंने लगभग 4 या 5 स्पून के करीब शेजवान चटनी डाल दी है। अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1 स्पून या 1.5 स्पून के करीब मैंने 1 स्पून डाली है। अब हमें इसे सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा कलर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ फूड कलर अवॉइड किया है। अब देखिए, इसी तरीके से हम पनीर को भी कर लेंगे। थोड़ा मैदा, मैंने यहाँ 1 चम्मच के करीब मैदा लिया है, थोड़ा कॉर्नफ्लोर, शेजवान चटनी, जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ मैंने 1/2 स्पून ही लिया है। अब देखिए, पनीर को भी हम ऐसी तरीके से मैरिनेट कर लेंगे। हम चाप को फ्राई कर लेंगे, फ्लेम लो कर लेंगे। देखिए, चाप
सॉफ्ट होनी चाहिए। हमारी चाप लगभग हो चुकी है, अब हम चाप को निकाल लेंगे। इसी तरीके से और चाप डाल लेंगे जो हमारी बच गई थी। इसको भी हम फ्राई कर देंगे। देखिए अब लगभग ये भी चाप होने वाली है फ्राई हमारी। थोड़ी सी गैस, थोड़ी सी फ्लेम हम बढ़ा देंगे। अब हम पनीर भी फ्राई होने के लिए डाल देंगे जब तक हमारी चाप हो रही है। मैं आपको चाप दो तरीके से बताऊंगी। देखिए एक आप टूथपिक में भी लगा सकते हैं और दूसरी आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। इस चाप का ये फायदा है कि आप इसे एज अ स्नैक्स भी यूज कर सकते हैं, स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं और परांठों के साथ ही बहुत टेस्टी लगेगी। अब हम चाप को निकाल लेते हैं और पनीर को फ्राई होने देते हैं। देखिए लगभग हमारा पनीर भी हो चुका है फ्राई। अब हम पनीर को भी निकाल लेंगे। देखिए अब हमने दूसरी कढ़ाई रख ली है, अब हम गैस ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इसमें अब हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे। अब हम इस ऑयल में अनियन, ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम, ये तीनों चीजें डाल देंगे और इसे थोड़ा सा इसे मिला लेंगे। अब हम इन्हें मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर पकने देंगे। देखिए हमने ज्यादा नहीं पकाना है, बस इनका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए इतना पकाना है हमने। देखिए ये हमारी कैप्सिकम और अनियन फ्राई हो रहे हैं। इन्हें हम 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ढककर रख देंगे। देखिए अब हम बीच बीच में से चलाते भी रहेंगे। चलाने के बाद इसे फिर से ढक देंगे। देखिए हमारी ये कैप्सिकम और अनियन लगभग हो चुका है। ज्यादा नहीं पकाना है इसे। अब हम इसमें जो हमने सॉस और मैगी मसाला और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट, देखिए मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट स्मिथ एंड जॉन्स का यूज करती हूँ। यकीन मानिए उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हम इसमें मैगी मसाला डाल देंगे जो हमने बचाया था। मैं मैगी मसाले का भी बता देती हूँ आपको, मैंने 2 पैकेट लिए थे। थोड़ा सा मैंने मैरिनेट करने के लिए डाल दिया था और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें कुछ हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट बचाया था। देखिए आप चाहें तो जिंजर और गार्लिक का पेस्ट घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें जॉल्स का यूज़ किया है। मैंने 1 पैकेट लिया था, थोड़ा मैंने उसमें डाल दिया, अब बाकी का यहाँ डाल रही हूँ। सोया सॉस, सॉरी चिल्ली सॉस, अब डालेंगे हम सोया सॉस थोड़ा सा। देखिए खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, यकीन मानिए आप भी ट्राई करिए। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस थोड़ा सा,
बीच में अब हम डालेंगे शेजवान चटनी। मैंने थोड़ी और डाल दी है शेजवान चटनी। अब हम इनमें ये जो देखिए पनीर ऑप्शनल है, ये हम चाप टिक्का बना रहे हैं तो अगर आप पनीर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई इसमें जरूरी नहीं है। ये मैंने ऐड किया है, अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये मसाले चाप में भी अच्छे से मिल जाए। देखिए देखने में बहुत टेस्टी लग रही है। अब इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। देखिए अब हम देखेंगे हमारी चाट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। देखिए अब हम चाप को निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए इसे मैंने 2 तरीके से सर्व करने के लिए रखा है। एक तो मैंने इसे प्लेट में डाल लिया है और दूसरा मैंने इसे टूथपिक में लगा लिया है। देखिए ये टूथपिक में लगी हुई बहुत सुंदर लग रही है और कोई गेस्ट आए तो ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाएगी, झटपट से बन जाएगी। और शाम को अगर आप बच्चों को स्नैक्स के तौर पर देना चाहते हैं तो बच्चे बहुत खुश होकर खाएंगे। मैंने साथ कोल्ड ड्रिंक रखी है साथ में, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आपको भी ये ट्राई करनी चाहिए। देखिए आज हमने चाप टिक्का रेसिपी बनाई है, दूसरी रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये रेसिपी चाप टिक्का रेसिपी पसंद